नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार में आज कैबिनेट विस्तार हुआ। एक विधायक ने, सिर्फ एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने रत्नेश सदा को शपथ दिलवाई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी के बेटे ने त्याग पत्र दिया था, उसके बाद ये मौका आया है और मांझी के बेटे की जगह रत्नेश सदा ने ली है। शपथ समारोह शुरू होने से पहले रत्नेश सदा ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रत्नेश सदा को गले लगाकर शुभकामनाएं दी है। गौरतलब है कि जेडीयू से 3 बार विधायक रह चुके हैं रत्नेश सदा और आज मंत्री पद का शपथ भी ले चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस शपथ समारोह में रत्नेश सदा की मां और उनकी पत्नी मौजूद दिखी। वहीं बिहार सरकार के तमाम मंत्री शपथ समारोह में शामिल रहे। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वही आपको बताते चले कि वो सोन वर्षा से लगातार 3 बार जेडीयू से विधायक है। शपथ से पहले रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश के पैर छुए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत अन्य कई मंत्री मौजूद हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। रामनोनित मंत्री रत्नेश सदा के साथ उनकी मां के अलावा उनकी पत्नी, बेटा और बहू साथ दिखे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी का बेटा डॉक्टर संतोष सुमन के त्याग पत्र देने के बाद यह मौका आया है। पार्टी को जेडीयू में विलय के आरोप लगाने के साथ ही डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से बाहर का रास्ता अपनाया है। सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सरकार से बाहर जाने के बाद मांझी समुदाय में अपनी पैठ बरकरार रखने को लेकर जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज जेडीयू कोटे से विधायक रत्नेश सदा मंत्री बन चुके हैं, मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, शपथ दिलवाई है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। आपको बताते चले कि शपथ समारोह में तमाम मंत्री मौजूद दिखे। वहीं आपको बता दें कि रत्नेश सदा की माँ, उनकी पत्नी, उनके बहू बेटा सब लोग उनके साथ दिखे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।